रतलाम के मेडिकल कॉलेज में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। कॉलेज के 25 से अधिक स्टूडेंट बीमार हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। इस घटना के पीछे बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। दरअसल कॉलेज 2018 से चल रहा है, लेकिन अब तक अधिकारी मेस की व्यवस्था व टेंडर ही नहीं कर सके। इससे मेडिकल कॉलेज में अवैध तरीके से एक रेल कर्मचारी दीपेश पाठक मेस को चला रहा है। स्टूडेंट यहीं खाना खाने से बीमार हो गए। बताया जाता है स्टूडेंट की तबीयत गुरुवार देर रात से ही बिगड़ना शुरू हो गई थी। रात खाना खाने के बाद कुछ स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ी, सुबह हालात और खराब हो गए, तो कल देर रात तक चलता रहा। बताया जाता है कि कॉलेज में तीसरी मंजिल पर इन्हें भर्ती किया गया। जब मीडिया को यह बात पता चली तो मीडिया को जाने की इजाजत नहीं दी गई। काफी जद्दोजहद के बाद जब डीन से बात हुई तब कहीं जाकर मीडिया कर्मी को अनुमति मिली। इधर घटना के पीछे बड़ी लापरवाही सामने आई है। कॉलेज में नियमन अनुसार मैश का इंतजाम नहीं है, कॉलेज में ही नियम के विपरीत कैंटीन चल रही है। वहीं डीन जितेंद्र गुप्ता का कहना है कि 2018 से ही यह व्यवस्था है, अब व्यवस्था सुधारी जाएगी। रात का जो खाना खाया था बच्चों ने, तो चूंकि ये बच्चे कोऑपरेटिव मेस चलाते हैं, अपना खुद का मेस चलाते हैं, हमने केवल स्पेस दी उनको, तो इन्होंने शाम का खाना, रात का खाना खाने के बाद में सुबह से इनको लूज मोशन और वोमिटिंग हुई है। और करीब अभी मेरे पास में माइल्ड सिम्टम है सारे बच्चों को, 27 बच्चे भर्ती हो गए मेरे पास में।